मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने सब लोग होंगे, वरना मैं माइक भी लेकर आता साथ अपने उछलता है साथ गाड़ी में। लेकिन ये तो गलती मारी होगी थोड़ी। आपने कहा था कि 10-12 गांव के प्रधान हमारे होंगे और अलग बात करनी है, लेकिन ये बहुत मेरे लिए खुशी का मकाम है कि आज एक जो बर्फ जमी हुई थी उस बर्फ को तोड़ने का काम आपने किया। बर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ गलतफहमियों की वजह से या किस वजह से मैं समझ नहीं पाया आज तक, सहारनपुर जनपद में जो राजनीतिक समीकरण है वो हमेशा हमारे साथ बहुमत के अंदर, क्योंकि अकेले हम लोग ऐसे हैं जिनके साथ सब जाति जब धर्म का वोट है, लेकिन बहुमत के अंदर हमेशा गुजर बिरादरी का समर्थन रहा। कुछ दिनों में इसके अंदर टूट आने का काम हुआ, क्या कारण रहे उन पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया जिसका कि मैं संदेश आप तक पहुंचा नहीं पाया, ना पाने में कामयाब हुआ, उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। कोई लड़ाई हो, रणबलपुर से लेके बच्चे खड़े हुए, इनको तो रणबलपुर याद पता भी नहीं होगा, हमारे भी आदमी जी तो बच्चे हो छोटे, हमारे भी रणबलपुर के अंदर मेरी उम्र इन्हीं जितनी थी, रणबलपुर की लड़ाई से लेके और आज तक कोई लड़ाई लड़ी गई हो उसके अंदर फ्रंट के ऊपर इमरान मसूद हमेशा रहा, और कुछ लड़ने आए लड़ाइयों की वजह से मेरे प्रति वो मोहब्बत जो पैदा होनी चाहिए वो तो उन्हें हुई नहीं, लेकिन मेरे प्रति दलितों में नफरत पैदा हो गई थी, क्योंकि सारी लड़ाई मैंने आगे लड़ करके बढ़ के लड़ी और मुझे उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। लेकिन जब आप राजनीति करते हो तो ये तमाम चीजें चलती हैं। ये तो पिछले दिनों, क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर मैं जिम्मेदार हूं, मेरे पास संगठन की ताकत है, तो फिर उस ताकत का इस्तेमाल हर मजलूम के लिए होना चाहिए, चाहे वो मजलूम कोई भी हो। जब पिछले दिनों दलितों के साथ लड़ाइयां हुई, मैंने उस आंदोलन के अंदर पुल बनने का काम किया, उसे लीड किया और पुल बन करके समाज के अंदर जो दो वर्गों में झगड़ा हो रहा था उसमें समझौते कराए। तो ये बात दलितों की समझ में आ गई, वरना मुझसे नफरत एक तरफा चल रही थी। बीएसपी के लोग पल्ला झाड़ के भाग गए थे और ये उनकी समझ में आ गई। तो ये मैं एक बात बार बार दोहराता हूं कि मैं किसी एक जाति किसी एक धर्म से बंधा हुआ या उनके काम करने के प्रति समर्पित व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपने साथियों के प्रति समर्पण की भावना से काम करता हूं और मैंने हमेशा अपने साथियों के लिए अपनी जान को दांव पे लगाया है। और मेरे साथी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई दूसरी और जाति से हो, मेरे साथी हैं, उनके लिए हर तरह से लड़ता हूं। अब ये चुनाव आ गया, चुनाव में लड़ाई बिल्कुल बड़ी रोचक लड़ाई होने जा रही है। देश के अंदर दो ध्रुवों के बीच लड़ाई है, एक वो जिसने हिंदुत्व के नाम पर देश को छल लिया, एक वो जिसने नौजवान और किसान के नाम के ऊपर वादा कर लिया कि मैं नौजवान को रोजगार दूंगा और किसान का कर्जा माफ करूंगा, किसान की फसल का दाम दुगना करूंगा। एक तरफ वो व्यक्ति जो सिर्फ झूठ झूठ और झूठ बोलता है, और एक तरफ वो व्यक्ति है हमारा नेता
जिसने जो कहा वो कर दिखा दिया। राहुल जी ने ऐलान किया कि हम न्यूनतम आय देने का काम करेंगे। इनके अर्थशास्त्रियों ने फौरन ज्ञान दिया कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तुरंत बयान आ गया, जब ये 3.5 लाख करोड़ उद्योगपति का तुमने माफ किया तब देश की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ी क्या? तब ये देश की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ी, जो देश का अन्नदाता है वो भूखा मरने के कगार पे आ गया। 80% आबादी देश की खेती के ऊपर निर्भर करती है, वो भूखी का मरने के कगार पर आ गई, तो अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ रही। अर्थव्यवस्था के अंदर जब तक 80% लोगों का योगदान और हिस्सेदारी नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ कैसे होगी? कौन सा इकोनॉमिस्ट है वो जो बता दे भाई? ये पैसे का जो चलन है, किसान की जेब में पैसा होगा तो दुकानदार का माल बिकेगा, दुकानदार का माल बिकेगा तो फैक्ट्री के अंदर माल बनेगा, फैक्ट्री के अंदर माल बनेगा तो फैक्ट्री के अंदर मजदूरी मिलेगी। ये तो एक चक्र है, जब तक ये पूरा चक्र नहीं घूमेगा, आप एक जगह इसे ब्रेक कर दो सारा सिस्टम खुद टूट जाएगा। और यही काम पिछले दिनों मोदी की सरकार ने किया है। जो देश के लिए काम करना चाहिए वो कंपनियों के लिए करने लगे। BSNL बर्बाद कर दिया। कोई बता दो किसी के पास BSNL का फोन है क्या? ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। BSNL राष्ट्रीय कंपनी थी, उसे बर्बाद कर दिया और अंबानी की कंपनी जियो को चालू कर दिया। मुझे भी ट्रांसफर कराना पड़ रहा अपना फोन जियो पे, कराऊं क्या करूं, चलता ही। रेलवे बर्बाद करने की कगार पे ला दिया। पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तेल को आप GST के दायरे में नहीं लाते, क्योंकि इनके मित्र अंबानी उनकी कंपनी की रिफाइनरी है, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी वो चला रहे हैं, उसको फायदा मिलना चाहिए, देश जाए भाड़ में। ये बात नौजवान आपको समझा रहा हूं कि ये आपकी समझ में आना चाहिए। आपके बीच में आएंगे, गाय के ऊपर ड्रामा चालू कर देंगे। अरे भाई, बहैसियत मुसलमान इमरान मसूद ने हमेशा कहा, दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया, और किसी समाज के अंदर कोई ऐसा समाज नहीं जिसमें अच्छे और बुरे लोगों की भरमार ना हो, सब जगह होते हैं। 0.2% लोगों की वजह से 99.98% लोग हम गाली खाते हैं। मैं मांस नहीं खाता, मैं अंडा भी नहीं खाता, शुद्ध सात्विक भोजन करता हूं, ये बताएं ना सबको, मेरे साथियों को सब जानते हैं। लेकिन मुर्गा खाने वाला जो मुर्गे की टांग दबा रहा है, नाम उसका अगर सतेंद्र है तो वो मेरे से अजीज आपको कैसे हो जाएगा भाई? आप बताओ मेरे से अजीज कैसे हो जाएगा? या इनकी पार्टी का मंत्री किरण रिजिजू जो कहता है कि मैं बीफ खाता हूं, वो हिंदुत्व का ठेकेदार होगा? जो गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, गोवा के अंदर काउ स्लॉटरिंग लीगल, सरकार भारतीय जनता पार्टी की। नॉर्थ ईस्ट के अंदर काउ स्लॉटरिंग लीगल, सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। देश में सरकार तुम्हारी, प्रदेश में सरकार तुम्हारी। राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित किया आज तक? राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित नहीं किया? और ये इंटरनेट चलाते हो, नेट पे जाओ, बीफ एक्सपोर्ट में पिछले 3 साल के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 है। पिछले 3 साल में क्यों बंद नहीं करते कत्लखाने? यहां गंगो के, नकुड़ के, अंबेटे के सलाट हाउस तो बंद करेंगे? अरे बड़े बूचड़ खाने बंद करो, जहां कट रहे वो नहीं बंद करेंगे, क्योंकि उनसे पैसा मिलता है। यहां सड़क पे चलते हुए को तो मारेंगे, लेकिन वहां लैब बना करके एक्सपोर्ट के ऊपर चेक करो ना कि कितना बीफ जा रहा है। ये तुम्हारी सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, जो मोदी पिंक क्रांति बोलते थे,
पूरे विश्व में हिंदुस्तान पिछले 3 साल से नंबर 1 है ब्राजील को पछाड़कर। तो आप मुझे बता दो, ये कह के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? जब जब चुनाव आएगा राम मंदिर का मुद्दा उठा देंगे, क्यों भाई? 4 साल से सो रहे थे, 4 साल से तुमने तो कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया था। तुम्हारी देश में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, और संविधान संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत तुम्हारे पास है। करना कुछ है नहीं, केवल जज्बात के साथ खिलवाड़ करना है। ये कुछ नहीं करेंगे, बस वो ताली पीटेंगे, ये ताली, ये ताली, ये ताली, और बस लोगों लड़कों ने कर दिया, आगे खड़े कर दिया, मोदी मोदी मोदी, ठोक दी ठोक दी ठोक दी, सबकी, किसी को नहीं छोड़ा, कोई एक भी नहीं छोड़ा। 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को मिल रहा था, मिल गया, मिल गया। सरकार कह रही है कि हमने पिछले 5 साल में 4.5 लाख लड़कों को नौकरी दी। इनकी सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि पिछले 3 साल के अंदर सरकारी नौकरियों के अंदर 2.5 लाख की कमी आ गई, 2.5 लाख की, मिलना तो छोड़ दिया, 2.5 लाख खत्म हो गई, और हमने 95,000 जॉब क्रिएट किए। 3 लाख खत्म कर रहे हो, 95,000 क्रिएट कर रहे हो, क्या तमाशा बना दिया देश का? ये नौजवान को नहीं समझ में आएगा तो किसको आएगा? इस नौजवान ने तो बड़ी उम्मीद के साथ वोट दे दिया था, बहुत उम्मीद के साथ वोट दिया था। अब देश की तरक्की किस जगह हुई? कारोबार तो करेंगे मोदी के दोस्त, और गाली खाएगा इमरान मसूद। पाकिस्तान से कारोबार तो तुम्हारा है, बिरयानी खाओ तुम, पैर छुओ तुम, और गाली खाएगा मुसलमान। क्यों खाएंगे भाई? पाकिस्तान पे कल का हमला बोलते, आज हमला बोलो, बोलो ना, कौन मना कर रहा? और हमले में सबसे पहले आगे आके ना चले तो अपने बाप की औलाद नहीं, इमरान मसूद। लेकिन अमित डोभाल क्या लड़का, अजीत डोभाल का लड़का, कांग्रेस के वो पाकिस्तान के साथ समझौता कर करके बैठा है व्यापारिक, के वहां से जो भी सामान आएगा वो नवाज शरीफ के बेटे की कंपनी भेजेगी, और यहां जो हो जाएगा वो इसके बेटे की भेजेगी, दोनों की दोस्ती, और हम बेवकूफ सारे के सारे। ये तो इंटरनेट पे है, जाके चेक कर लो भाई, ये सारी चीजें नेट में मौजूद है, मौजूद है, जाके देख लो। पैसा कमाने के गठजोड़ सब जगह है, कांग्रेस पे तो दफ्तर भी नहीं बैठने को, इन्होंने 7 स्टार होटल बना लिया, और बेईमान हमें राहुल गांधी के लिए भी हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा, सारे हेलीकॉप्टर बुक कर दिए, और बेईमान हमें। 70 साल का भ्रष्टाचार, 70 साल के अंदर ये कपड़े पहन करके हम 70 साल के अंदर ही खड़े हुए इस देश के अंदर, के हम बराबरी कर रहे हैं, इनके बाप दादा उन्होंने नहीं कुछ करा था, ये कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने आजाद कराया था, ये सारे अंग्रेजों के पिट्ठू थे जितने आज देशभक्ति के सबूत मांग रहे सब। एक का बता दो, अगर एक ने इंजेक्शन से भी खून दिया हो ना जंग आजादी में, तो हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। आप उठा लो इनका इतिहास, 26 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे, और देशभक्ति है सबसे बड़े भाई। कमाल तो इस बात का है कि नौजवान हमारा समझते हुए समझना नहीं चाहता। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राहुल गांधी को ऐसा बनाकर के पेश करने का प्रयास इसलिए किया गया कि राहुल गांधी के अलावा मैं समझता हूं देश में गरीब का दर्द समझने वाला कोई नेता नहीं। मैंने कई बार राहुल जी को बहुत नजदीक से कई बार कहा, मैंने कहा सर आप जैसे हो, जो आप हो आप वही रहोगे, आप नीचे नहीं, आप क्यों प्रयास करते हो कि आप नीचे आकर के बहुत ज्यादा बहुत, अब इतनी सादगी है उस आदमी के अंदर कि जब यहां सहारनपुर आए थे तो यूं जैकेट उतारी मेरे हाथ में दी, तो मैं पीछे से देखी तो अंदर से पूरी जैकेट फटी हुई, पूरी जैकेट अंदर से फटी हुई, और ये पूरी वाइट हो रही थी, तो मैंने सर क्रीम तो लगा लेते, अरे भाई जल्द में निकल गया। तो सादगी का उसका तो ये आलम है, और मोदी जी को 3 बार अगर मीटिंग में देखोगे, 4 बार देखोगे, 4 बार कड़क कुर्ता पजामा दूसरा ही मिलेगा, वास्कट दूसरी मिलेगी, बाल एक भी नहीं इधर उधर होता। ये तो फर्क है सादगी के अंदर, और सोच में, सोच में जो राहुल गांधी बोल रहे हैं
कोई भी बात राहुल गांधी बिना रिसर्च के नहीं बोलते, मैं अंदर से जानता हूं इस बात को। उन्होंने कहा है कि मैं न्यूनतम आय की गारंटी दूंगा, तो उसके लिए बाकायदा एक टीम बैठा करके इकोनॉमिस्ट की रिसर्च कर करके ये तैयारी की गई कि किस तरह देंगे। और राहुल जी ने कहा कि हम कर्जा जो मुख्यमंत्री 10 दिन में माफ नहीं करेगा मैं मुख्यमंत्री हटा दूंगा। 10 घंटे में कर्जा माफ करके दिखा दे, क्यों नहीं हुआ माफ? 2009 के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सा किसान ऐसा जिसके घर में कर्जा माफी नहीं आई? बता दो कोई ईमानदारी से कि नहीं आई। और अब के भी कर्जा माफ करने की औकात सिर्फ राहुल गांधी की है, इनमें से किसी की नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा है अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो कर्जा माफ होगा, निश्चित रूप से होगा। वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो नौजवान को रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा। और एक बात आपसे भी कहना चाहता हूं साहब, इस हिंदू मुसलमान के जहर से बाहर आ जाओ। एक मुसलमान अगर आपके लिए किसी हिंदू से ज्यादा मरने को तैयार है तो मुझे बता दो वो मुसलमान बुरा क्यों है आपके लिए। मैं गारंटी देता हूं सरकार रहेगी, सरकार में रहूंगा तो आपके कोई बच्चे को नौकरी के लिए रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप मेरा गिरेबान पकड़ लेना कि इसके लिए रोजगार की व्यवस्था क्या है ये बता। और मेरे से ज्यादा आसानी से उपलब्ध कोई नेता बता दो जिसे एमपी बना के मेरे मुकाबले बैठाया, किसी के मरने में दिखाई दिया गया, वो जीने में दिखाई दिया गया आज तक? कभी नहीं। किसी की तेरहवीं में आया हो? अरे तेरहवीं में ये नहीं जाते, खाने में ये नहीं जाते, क्यों और झाड़ू लगवाने को बनाया तो से? वो भी नहीं करना, टेलीफोन ये नहीं उठाते, मेरे मुकाबले आपने झुंडवा दिया उसको, मेरा टेलीफोन जिस टाइम चाहोगे उस टाइम हाजिर, और जहां बुलाओगे वहां आ जाऊंगा। एक फ्री का नौकर आपको मिल रहा जिसे सिर्फ एक वोट चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर वो भी नहीं देने का फिर भी नौकरी करूंगा, ये भी वादा कर रहा भाई पहले से कर ही रहा, नहीं देते फिर भी करूंगा। लेकिन अगर कर दे दोगे और मैं सरकार में बैठ गया तो यहां घर में बैठ के ताकत का एहसास होगा कि ताकत क्या होती है। ये जो नौजवान बच्चे खड़े ना, इन बच्चों को एहसास होगा कि भाई का बनना क्या होता है, क्योंकि किसी की जेब खाली नहीं रहेगी इंशाल्लाह। कारोबार के रास्ते हमें कैसे खोलने हैं, मुझे सहारनपुर में क्या करना है, मेरे सारा दिमाग में प्लानिंग है कि अगर आ गया तो किस किस तरह से रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं कि लड़के रोजगार के ऊपर लगे।